अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैदर वॉइस चैनल में आप सब फ्रेंड्स को वेलकम। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि जो नेक्स्ट वीडियो हम जो ही अपलोड करते हैं उसी वक्त आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनके वॉइस ऑडियो के ज़रिए आपके उसके जवाब दूँगा। रिटर्न तो हमेशा ही आपको जवाब देते हैं। कल कम्युनिटी में मैंने एक मैसेज लिखा था, कमेंट किया था सब दोस्तों को कि ये आपको ये जो स्टोरी नई है ये कैसी लगी है। इसके अलावा आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, आप इस यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तो ये इसमें ये जो लेटेस्ट कमेंट है ये उम्मे सलमा का, ये कहती हैं आपको भी ये मैंने जो कहा है सलामत रखे, उसके जवाब में इन्होंने कहा है। और ये हामिद यूसुफ़ भाई ने ये कहा है अल्लाह आपको सलामत रखे, शुक्रिया। इब्राहिम साबिर साहब कह रहे हैं कि बहुत प्यारी स्टोरी थी जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अजीज़ा मैडम ये कह रही हैं कि बहुत अच्छी दिलचस्प माशाल्लाह। मकसूदा मिनहास साहिबा कह रही हैं कि इट्स अमेजिंग, थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये अजीज़ी लकी साहब या साहिबा ने काफ़ी लंबा मैसेज किया है तो ये पढ़ लेते हैं सारा। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, आपकी जगह बीच में खाली छोड़ दिया आपने, पुलिस इंस्पेक्टर का उसको बहुत छोटा किया, उसको फांसी पर लटका के नहीं मारना चाहिए था, किसी और तरीके से बोलना चाहिए था। और दूसरा सलमान को जो लाना था कोठे से उसको लाना चाहिए तो यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए था, कोई रास्ता ऐसा निकालें इस कहानी को बहुत अच्छा या सिला देना चाहिए था, बाकी बड़ा थी की कहानी। अच्छा तो ये कहानी अजीज़ी साहिबा या साहिब, ये मसला ये है कि कहानी को थोड़ा सा इसमें से शॉर्ट किया गया है क्योंकि एक कुछ दोस्तों ने कहा है कि वो मंसूर का जो करेक्टर है उसमें से कुछ शॉर्ट किया गया है, कहानी बहुत लंबी हो जाती है, फिर कुछ लोग तंग पड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि आप क्यों इतनी लंबी कहानी बनाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि लंबी बनाएं, फिर कोई जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो जो थोड़ी सी समझ सकता है आदमी के उसको निकाला जा सकता है तो फिर उसको निकाल दिया जाता है। शुमाइला ख़ान साहब कहती हैं उस लड़के का बताओ मुझे, उसको तो अपने कहाँ से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। मतलब ये उसी का कह रही हैं वो जो जिससे वो शादी करना चाहती है या वो उससे करना चाहता है, तो वो उससे उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। उसका ये थोड़ा सा करेक्टर था कि वो दोबारा मतलब वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, उस लड़की को ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसको पता चलता है कि वो मैरिड है अब, तो उसका करेक्टर निकाल दिया था क्योंकि ये कोई इतना वो उसमें ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उसको तो वैसे ही वो रिजेक्ट कर देता है कि वो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है जो कहानी का असल आदमी है कि मैं अब उससे शादी नहीं करवाऊँगा। और ये सारा ख़ान साहिबा कह रही हैं कि वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का करम है, उम्मीद है आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, माशाल्लाह हमेशा की तरह आपकी स्टोरी भी अच्छी थी, उनके बहुत मज़ा आता है, सुन के बहुत मज़ा आता है, अब भी बहुत मज़ा है, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम अमीन, इंशाल्लाह सदा खुश सलामत रहिए, आमीन सुम अमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत शुक्रिया आपका। अरूज़ फातमा साहिबा कह रही हैं आपका अंदाज़े बयान लाजवाब है, कोई भी स्टोरी हो उसमें चार चांद लगा देते हैं, माशाल्लाह शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। हमाद ख़ान साहब कह रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम, ठीक आप बताएं आप कैसे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी, बल्कि आपकी हर स्टोरी बहुत अच्छी है। हमाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नाइस आपने कमेंट किया, आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। जवेरिया फातिमा साहबा कह रही हैं अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अभी पार्ट वन ही सुना है, पूरे सुन के ज़रूर बताऊंगी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। ये सफवान शेख साहब कह रहे हैं भाईजान हॉरर स्टोरी भी बहुत दिन से नहीं आई, प्लीज़ आई एम फ्रॉम इंडिया। तो सफवान भाई मैं ज़रूर लाऊंगा स्टोरी, तो इंशाल्लाह मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिए, मैं जो है ज़रूर वो बना रहा हूँ। असल में एक स्टोरी काफ़ी टाइम ले लेती है बनने में, कंप्लीट होने में, तो इसलिए फिर अब आपने नोट किया होगा कि मैं लास्ट जो दो स्टोरीज़ मैंने अपलोड की हैं वो कंप्लीट की हैं मैंने, मतलब उसमें गैप नहीं दिया क्योंकि कुछ लोग नाराज़ होते थे। जीनत शेख साहबा कह रही हैं ऑसम ज़बरदस्त स्टोरीज़ होती हैं आपकी, अमेजिंग, शुक्रिया। निशात कौसर साहबा कह रही हैं जी अच्छे ख्याल हैं आपकी सब स्टोरीज़ से रिलेटेड और आपसे भी,
आपको भी अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी आपका, आमीन। समीना सिद्दीकी साहबा, मेरे ख्याल है ये शेख रुसार के नाम से आते रहे हैं, ये आती रही हैं, ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी लगी आपकी हर स्टोरी, बेस्ट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। मोहम्मद फैसल साहब कह रहे हैं मैं आपकी बहुत नादिर फ़ैन हूँ, शुक्रिया जी आपका। वरिशा अंसारी साहब कह रही हैं मुझे बहुत पसंद है आप, मुझे बहुत पसंद है आल, अल्लाह आपको बहुत कामयाब अता फरमाए, कामयाबी। शुक्रिया जी बहुत बहुत। पुष्पा सिंह साहिबा कह रही हैं नाइस स्टोरी जनाब, शुक्रिया जी पुष्पा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जो स्टोरीज़ के ऊपर आए हैं, तो उसमें जो ये इसमें कुछ स्टोरीज़ में कमेंट हैं, ये इस्लाम की शहज़ादी साहिबा कह रही हैं कहानी बहुत अच्छी लगी, ज़बरदस्त, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अफरोज़ सिद्दीकी साहिबा या साहिब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन, शुक्रिया। पिंकी फेरी, वंडर वर्क्स ब्यूटीफुल, और ये देवेंद्र पाल सिंह, ये सरदार जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट दावी वापसी, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। यासर खान साहब कह रहे हैं इतना लंबा तारुफ, तो ये किसी स्टोरी के बारे में कह रहे हैं, ये कहाँ रहता है बंदा अब। अब्बासी खालिद साहब कह रहे हैं, मंज राजपूत ए कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली वेरी नाइस स्टोरी अबाउट घोस्ट, रिच एंड पुअर और वेल्दी स्टेचूज, ये थोड़ा इनका समझ नहीं आया, मैं अल्लाह ब्लेस टू एवरी वन, आमिन। ये जो हिट द बुक्स विद नीलमा सिंह हैं, ये माशाल्लाह ये ख़ुद भी स्टोरी टेलर हैं और बड़ी अच्छी माशाल्लाह ये नाइस काम कर रही हैं, इनका चैनल भी आप ज़रूर देखें। और ये मदीना बीबी चौहान साहिबा कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीता शर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा मैसेज किया है, आपकी सारी कहानियाँ सुनती हूँ, सब बहुत अच्छी हैं, बेस्ट हैं, और आपकी वॉइस बहुत इंप्रेसिव है, बहुत शुक्रिया आपका नीता शर्मा, आपका बहुत मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर ये आपका मैसेज है, बहुत अच्छी स्टोरी है मिस्टर हैदर। आगे नताशा अली कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। चलें ठीक है, आपका अपना एक नज़रिया है। सैयद मुनव्वर साहब कह रहे हैं भाई गुड, मैं हैदराबाद से हूँ। सैयद मुनव्वर साहब बहुत खुशी हुई, हैदराबाद तो बहुत ही अच्छा प्यारा शहर है और मुझे वैसे भी हैदराबाद बहुत अच्छा लगता है। और MD मंसूर आलम साहब ने कहा है ऑसम, इस्लाम की शहज़ादी ने भी कहानी बहुत अच्छी लगी आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफरोज़ सिद्दीकी साहिबा या साहिब ने भी जो है वो अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जी। ये देवेंद्र सिंह सरदार जी ने भी तारीफ़ की है, और इसके बाद काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस हैं। और इसके बाद यूसुफ़ साहब हैं, अब्दुल मालिक, और ये मंज राजपूत, ये भी इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इनका। अब्दुल मालिक साहब ये बहुत इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छे भाई मैसेज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, वालेकुम अस्सलाम। और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मैसेजेस आते रहते हैं। ये जाहिदा भी काफ़ी टाइम से ये उर्दू कॉर्नर पे भी मैसेजेस करती रही हैं। नबील साहब बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। अशमत हाय, ये इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने भी काफ़ी मैसेजेस किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं इनके। कुलदीप साहब का शुक्रिया, और ये सिल्वर सुपर इनका भी शुक्रिया, ये मैसेज करती हैं। और काफ़ी सारे ये दोस्त हैं, आलिया ख़ान, शुमाइला ख़ान, तो इसमें कुछ लोगों के जो हैं वो नापसंदीदगी भी है लेकिन वो बहुत कम है, और मैं कोशिश करूँगा कि उनका गिला शिकवा दूर करने की। तो आप ज़रूर मुझे इसमें कमेंट किया करें और अपनी जो राय है वो ज़रूर दिया करें। और जीनत शेख साहब अब करती हैं मैसेज, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ज़ोया हबीब हैं, वो भी करती हैं मैसेज, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे इस तरह के नाम हैं, गज़ल अज़ीज़, रूसा फातमा, और अलीना, अलीना असलम, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये एन इंडियन पवन राज, नमस्ते डियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निगत आसमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये मैं जितने भी दोस्त हैं, तालिब अली साहब करते हैं, निशा खान करती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम निशा खान। समीना सिद्दीकी, ये शेख साहब हैं,
शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये निशा खान, कमल हाशमी, हाँ जी शुक्रिया आपका जी। निशात कौसर साहबा करती हैं मैसेज, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद काफ़ी सारे दोस्त हैं जो रेगुलरली मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं नीचे, तो मैं सब सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप ज़रूर देखते रहिए चैनल को, जैन एक्स ये करते हैं मैसेज, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये वीरेंद्र पंजाब ये करते हैं सरदार जी, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम की शहजादी, इनका शुक्रगुजार हूँ मैं। अरीशा कुरैशी भी करती हैं मैसेज, अजीज़ा साहिबा करती हैं, इनका मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और बहुत सारे दोस्त हैं और भी हैं जिनके मैं नाम नहीं अभी फ़िलहाल सामने आ रहे, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हैदर वाइस को ज़रूर देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।